26 अगस्त को बलिया में छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया गया था। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बलिया में छात्रों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान छात्र नेता रूपेश चौबे व अमित दुबे ने बताया कि ऐसा क्यों किया गया था। छात्र नेता ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काला झंडा 26 अगस्त को सिंहही सहतवार बलिया में इसलिए दिखाए कि आपकी सरकार में सरेआम दिन दहाड़े बजहा गांव की छात्रा रागिनी दुबे की हत्या कर दी गई और महिला सुरक्षा के लिए अभी तक आपकी सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है। छात्र नेताओं ने बोला कि मुख्यमंत्री के आगमन के लिए काफी पैसा लगाकर हेलीपैड बनाया गया था, ये किस काम का? अगर वही पैसा बाढ़ पीड़ितों में बांटा गया होता तो उन लोगों के काम आता। छात्र नेता यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम राष्ट्रपति और राज्यपाल से भी मिलकर अपने ज्ञापन सौंपेंगे। काला झंडा दिखाए थे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी को, उसके क्या उद्देश्य से इसकी पूर्ति के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि प्रदेश में राम राज्य के जगह जंगल राज का कायम हो गया है और रागिनी हत्याकांड में हम लोगों ने राज्य सरकार के प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी को अवगत कराए थे ज्ञापन देके कि इसमें कार्रवाई हो और उक्त परिवार को सहायता राशि के रूप में कुछ न कुछ मुआवजा मिले। हम लोग सिंह ही गए थे छूटने के बाद, तो वहाँ जो हेलीपैड 8 लाख का बना था, जो खड़ंजाए बनाई गई थी और जो विद्युत व्यवस्था के लिए तार लगाए गए थे, उनको भी योगी मुख्यमंत्री के जाने के बाद खड़ंजा को खड़वा दिया गया, तारों को हटवा दिया गया और उस गांव में अंधेरा छाया हुआ। तो ये कैसा शासन, ये कैसा सत्ता, हमको समझ में नहीं आ रही है कि प्रदेश में क्या ये मैसेज देना चाहते हैं। जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, बलिया जनपद में आए दिन रोज हत्याएं होती हैं, लूट होते हैं, बलात्कार होते हैं, गोरखपुर में इनके स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है बच्चों के हत्याओं पे कि अगस्त माह में हत्याएं होती हैं, बच्चे मरते हैं, इस तरह का शर्मनाक बयान किसी स्वास्थ्य मंत्री का हो सकता है क्या? हमें तो नहीं समझ आता है। और पिछले 2 दिनों में जो गोरखपुर ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि लोग चाहते हैं कि सरकार उनके बच्चों का पालन पोषण करे। हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा निंदनीय बयान किसी मुख्यमंत्री का आज तक रहा होगा। देखिए, रागिनी के जो बहन रागिनी के परिजन जो है, इसको लेके बार बार अपना बयान भी दिए हैं मीडिया में आके और SP महोदय को अवगत भी कराए हैं। अब लिखित अप्लीकेशन उन्होंने दिया है कि नहीं, इसके संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अपनी मांग रखी जो इस दिन प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस दिन भी जाके हमने उन्हें एक पत्रक सौंपा था जिसमें परिवार को न्याय और उनको सहायता के लिए हमने उसमें भी मांग रखी हुई थी। जिस सरकार में जहाँ एक छात्रा की हत्या होती है उस परिवार को सहायता न देते हुए हमारे यहाँ की सरकार सत्ता के लोगों द्वारा प्रशासन के सिपाहियों को पुरस्कृत राशि दी जा रही है, तो किस प्रकार से माना जाए कि वहाँ के लोग उस परिवार के लिए खड़े हैं और उनकी मदद के रूप में लगे हुए हैं।